गाइस गुड मॉर्निंग, मेरी बेटी इधर सो रही है, ऐसे कर रही है अभी। समझ यार, काम करूँ क्या करूँ, पर काम ही करूँगी यार। अभी तो झाड़ू पोछा करूँगी, फिर टाटा लगा के रखूँगी, वही सेम रूटीन। अभी 8 बजने में है तो मुझे पता है वो जगी 8:15। उसको क्या, उसके उससे फेस पे टोपा आ जाता है या रजाई आ जाती है ना, तो भी एकदम से ऐसे ऐसे करने लगते, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। उसको क्या लगेगा, अंधेरे में ऐसे सोने की आदत है। दूसरी चीज़, ऐसे फेस पे रजाई दम घुट जाता है तो खुद का। खैर कोई नहीं, अभी तो मैं ब्लॉग लाइव करके दिन काम करूँगी, उसको शेड्यूल कर दूँगी। कल तो पूरे दिन मेरा नेट नहीं चला, मैंने वाईफाई से ब्लॉग अपलोड किया, पता नहीं गोल 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 घूम रहा था, चल ही नहीं रहा था, कुछ भी अपडेट नहीं आ रही थी। अभी बाहर में बिना जैकेट के चली गई, आज ठंड ऐसा लग रहा है जैसे पूरे हाउस में भीग गया, दिन का ठंड हो रही है। बिना जैकेट बिना शॉल का चली गई थी आज, ऐसे थोड़ा सा जल्दी उठी थी, ऐसा लग रहा है पूरा उडनी से गीली हो गई हाउस के अंदर। मुझे पता नहीं कैसे ठंड है। ये सूर्य आज 9:15 गए, क्योंकि मैंने इसको 8 बजे सुला दिया था फीड करा के। जब तक मैं पोछा वोछा लगा लेती हूँ, आटा वाटा लगा देती हूँ, अभी तो सूर्य। अभी मैं नहा के आ गई, कपड़े भी धो लिए जब तक ईशु खेल रही थी, अभी भी खेल ही रही है। जब तक मैं तैयार हो रही, बाल वगैरह बना रही हूँ, अब पहले उसको संभालूंगी, उसके बाद कोई काम देखूंगी। वैसे ईशु बहुत सारी चीज़ों में मुझ पे गई है। एक तो अपनी मस्ती में अकेले मस्त रहती है, इसको कंपनी नहीं चाहिए, मतलब चाहिए पर ऐसा नहीं, अगर कोई कंपनी ना हो तो भी ये मैनेज कर लेती है, मतलब अकेले खेलती रहती। अभी इसको काफ़ी देर हो गई खेलते हुए, फिर परेशान हो गई, अभी रोने में आ गई आवाज। हाँ आई, जब रोती है कैसे थोड़ा सा उल्टा लिट्टा कैसे कर देती है, चुप हो जाती है, पर वैसे चुप नहीं होती। अगर इसको वापस सीधा करूँगी ना, इतना भयंकर रोएगी, देखना भी। अरे मेरी जान, कितना रोई है यार ये अभी। पर है ना यार, इसकी एक आदत बहुत बेकार है, रोने लग जाती है ना, इतना रोती है। वीडियोस बनानी है एज़ यूजुअल, जो डेली की मेरा वो है, मुझे 2 वीडियो डालनी ही होती है। तो बस अभी वो 2 रील बनाऊंगी, क्योंकि ईशु को तो मैंने सुला दिया, अभी वो सो रही है, जब तक मैं 2 रील बना लूँगी। और मुझे ना आजकल भूख बहुत लगती है यार, हर 1-2 घंटे में भूख लग जाती है, तो पहले नहीं लगती थी, इन 5-7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। पर ऐसा बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड अगर करवाते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है। मैंने तो आपको सुलाया था, डिस्टर्ब करने के लिए उठ गए हॉनी। अरे इसका टोपा है ना, वो मतलब मैं तो थोड़ा ढीला बांधती हूँ, मम्मी थोड़ा सा टाइट बांध देते हैं ताकि वो खिसके ना, मतलब। लेकिन इसका ना गला रात को भी फंस गया था, मतलब मैंने सोचा यार इसने सुसु भी नहीं किया, ये ऐसे क्यों कर रही है। फिर देखा तो गला एकदम फंस रखा था, फिर मैंने फटाफट से खोला, ऐसे नींद ना खुले फंस जाए तो। मैं तो वैसे मतलब पहना के रखती हूँ ना, तो उसको ऐसे ही बांधती नहीं हूँ, खुला ही रखती हूँ, और अगर बांधती हूँ ना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ढीला बांधती हूँ। उतरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर गला नहीं फंसना चाहिए। मैंने सुबह ढीला ही बांधा था, बट मम्मी ने उसको टाइट कर दिया, इतना फंसा हुआ है वो, एकदम गला दब जाएगा, छो जाओ आप। ये तोपा तो आपके सिर पे आ गया, छारा ही ऊपर आ गया। अच्छा ये ऐसा लग रही है, वो शेफ वाली कैप नहीं आती क्या, वो पहन रखी है। सारा अच्छे हो गया, इसको ऐसे करो ऐसे। ईश्वर काले क्यों लगते हो फोन में,
यार रियल में ना इसका टोन, स्किन टोन बहुत फेयर है, पर पता नहीं फोन में इतना वो क्यों लगता है। अगर कोई देखता है ना वीडियो कॉल पे, वो भी बोलते काली हो गई है। काली नहीं हुई है भाई, इसका वैसे स्किन टोन बहुत फेयर है, पहले तो और भी ज़्यादा था, अभी तो थोड़ा सा धूप में रखते हैं ना मम्मी, इस चक्कर में हो जाता है। बाकी तो फोन में पता नहीं क्यों लगता है। हाँ फोन में आप काले दिखते हो, पता है काली भाई काली भाई नाम नहीं निकलवाना चाहिए, देख लीजिए ठीक है। हाँ ध्यान रखना है ठीक, काला कूला को नहीं होना अपन। ना मैं को मसाज ही कर देती हूँ, मसाज वैसे अभी तो मैं इससे करती हूँ, बाद में देखेंगे, बाद में शायद वो जो वो डाबर लाल जो तेल आता, डाबर लाल कौन सा तेल आता है वो, उससे स्किन टोन डार्क हो जाता है, मम्मी ने बताया था, वरना वो अच्छा रहता है। देखेंगे फिर अभी बाद में कौन से हेल्थ। सबसे पहले ना इसके हाथों की मसाज करूँगी, हाथों की मसाज अभी तक नहीं कराई इसने, पैरों की करा लेती है, बैक पे करवा लेती है, हाथों की तो मतलब ऐसे कर लेती है ऐसे। जोर मेरे जैसा बहुत है इसमें, कौन कहता है हम पतले हैं, जोर बहुत है हमारे अंदर, भिड़ के देखो ये एक बार भिड़ के देखो, साइकिल चलाओ साइकिल साइकिल। हाँ पहले बर्तन नहीं पहले आटा लगाऊंगा, जब तक दूध गर्म होता रहेगा, फिर बर्तन वगैरह हो गए सारे वो मांझ के लाऊंगी, उसके बाद सब्जी वगैरह बना के रोटी बनाऊंगी। नहीं पहले झाड़ू भी लगाऊंगी यार, कचरा हो रहा है, आंधी चलती है ना उस वजह से। नहीं 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 ऐसे नहीं करते, ऐसे रोता कौन है काम के बीच में। आटा तो लग गया, पहले सब्जी बना, पहले बर्तन मांज के लाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। शोगी क्या इशू, मस्त मगन रहते हैं। और बर्तन वगैरह मांझ के सब्जी भी बन रही है, बार बार इशू हो रही है अभी तो। मैंने पेट तो करा दिया था पर वो अभी इसने वापस सुसू कर दिया, आज तो लिटरली मैं चोटी भी नहीं की, मतलब मैं चोटी करने वाली थी इतने में इशू रोने लग गई, और कपड़े भी मेरे दो तीन दिन से रखे हुए हैं, मैंने समेटे ही नहीं है। कपड़े समेटने में इतना जोर क्यों आता है, किसी काम में नहीं आता, सिर्फ कपड़े समेटने में। और आज तो राबड़ी बनी है यार, कितने दिन से वेट कर रही थी मैं राबड़ी खाने का, पहले खा नहीं सकती थी अभी खा सकती हो। उससे तो इशू क्या है, कहाँ जाएगी पता नहीं, पीछे की तरफ क्यों खिसकती रहती है, सिर ऐसा मतलब सिर के बल खिसकती रहती है ये। खैर कोई नहीं, अभी तो हालत बेकार हो गई यार, कल से पता नहीं क्यों मेरे, कल इसको गोदी में लिए लिए रखा था ना, और फिर थोड़ा सा क्या जैसे बाथरूम में बाल्टी वगैरह रखती हूँ, उस चक्कर में भी कल पेट में दर्द हो गया मेरे, और आज सुबह भी हो रहा था थोड़ी देर। किस बात का गुस्सा आ रहा है इशू,